मैं आशी के लिए बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब, हर वक्त उसी की तरफ ध्यान लगा रहता है। क्या आशी का इसके सिवा और कोई इलाज नहीं हो सकता था? आप परेशान ना हो, शिराज काबिले इत्माद और बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसे सारा केस बड़ी अच्छी तरह समझा दिया है। असलम, असलम, ये असलम कहाँ मर गया? दूध कॉलेज करके क्यों नहीं लेकर आया अभी तक? वो बाजार गया हुआ है। और बुआ नसीबन? उनको बुखार हो गया। अच्छा मुझे जल्दी है, तुम जल्दी से मैं जूते पॉलिश कर दूँ। क्या? मैं जूते पॉलिश करूंगी? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अरे तुम ये जूते पॉलिश कर दोगे तुम्हारे हाथ तो नहीं घिस जाएंगे? मैं तुम नौकर नहीं हूँ। नहीं करूंगी। नहीं नहीं करूंगी। नहीं नहीं नहीं। बस बस आज के लिए इतना काफी है। तुम जितना चाहे जोर लगा लो, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। और एक बात याद रखो, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती, समझी हो? अच्छा अब उठाओ मैं इस पोश और रखो मैं इस पर, सुना नहीं? उठाओ ना। मरना क्या? पिटाई करूंगा। आप मुझे मारेंगे? और क्या, शर्म नहीं आती लड़कियों को मारते हुए? नौकर क्या सोचेगा? खुश होगा, वो तो खुद रोज अपनी बीवी की पिटाई करता है। बुआ नसीबन बता देंगी अबू को जाके सारे रूदाब। ए बात सुनो, अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना तो मैं तुम्हारी तुम्हारे अबू के सामने ठुकाई करूंगा। मैं किसी नहीं डरता, समझी? चलो उठाओ उठाओ। अच्छे आदमी के साथ शादी की अबू जी ने मेरी ऊंचा बोल बोल के कान के पर्दे फाड़ दिए। अब जाओ और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अरे वाह बड़े खूबसूरत है, नौकर से कहना चाय बनाए। नौकर नहीं, तुम बना कर लाओगी और मेरे कपड़े भी इस्त्री करोगी। मैं काम नहीं करूंगी। क्या? मेरा काम नहीं करोगी? नहीं, तुम मुझे मारेंगे। मालूम होता है कि तुम्हें मार खाने का बहुत शौक है। ए बीवी बात सुनो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ नौकर नहीं, तो तुम्हारा हर हुक्म मानू। मेरा जब जी चाहेगा मैं तुम्हें मारूंगा। मारूंगा क्या? मुंह है हंडिया की तरह।